इस वक्त हम लोग 8 नंबर वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ की वार्ड कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बीजेपी की है और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्साह का माहौल पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ये किस तरीके से मनाने वाली है या फिर क्या कहना है, इनका क्या आह्वान करती हैं, ये हम जानेंगे। क्या कहेंगी आज आप इस पावन अवसर पर? सबसे पहले सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज सही मायनों में भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या जी लौट रहे हैं। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कई राम भक्तों ने आज के दिन के लिए बलिदान दिया है, उनका बलिदान सही मायनों में आज सार्थक हुआ है। मैं उन सभी राम भक्तों को अपने हृदय से नमन करती हूँ, उनकी बलिदान को मैं प्रणाम करती हूँ, ताकि उन्होंने जो बलिदान दिया था वो दिन आज हमें देखने को मिला। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जो इस पीढ़ी को आज का ये दिन देखने को मिला, क्योंकि आज का दिन हमारे ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमने बरसों से इंतज़ार किया, वो दिन आज हमारी ज़िंदगी में आया है। आज वो दिन आया है जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, जो सबकी इच्छा थी, हर व्यक्ति चाहता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, और हम ये बहुत खुशी से बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं, आज वो दिन आ गया है जब भगवान राम का मंदिर बनने का टाइम आ गया है। बहुत जल्दी हम अयोध्या जी में जाके भगवान राम का मंदिर का दर्शन करेंगे। और मैं सभी शहरवासियों से, अपने वार्ड के वासियों से ये आह्वान करती हूँ, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, आज शाम को 6:30 बजे सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और अपने अपने घर का वातावरण ऐसा शुद्धमय करें कि हमें चारों तरफ श्री राम गूंज ही सुनाई दे, ताकि हमें सही मायनों में लगे कि आज हम दिवाली मना रहे हैं। दिवाली हम हर साल मनाते हैं, लेकिन आज का वातावरण हमें ऐसा करना चाहिए ताकि जन जन के मुंह में यही बात रहे, सही मायनों में 2020 में दिवाली मनी है। दिवाली हालांकि कुछ समय अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं आज एक झलक दिखेगी। देखिए, कई टाइम से मार्च से थोड़ा मनहूसियत छाया गया था, सभी जानते हैं कोरोना का माहौल चल रहा है, लेकिन उसमें भी आज का दिन सभी लोगों को आप देख रहे होंगे, सभी लोगों में जिस तरह का उत्साह है आज के दिन को लेके, सब कोरोना को भूल गए हैं। आज सबके मन में सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम कहें कि अगर कोरोना वायरस की महामारी ना रहती तो क्या आप लोग बेशक अभी जाते अयोध्या और वहाँ पे दर्शन? जी बिल्कुल जाते, और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी वहाँ पे शिलान्यास किया है, और मैं ये मानती हूँ बहुत जल्दी इस कोरोना महामारी नाम की जो संकट हमारे पूरे विश्व में छाया गया है, ये भी बहुत जल्दी छट जाएगा और हम सब अपने अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे, सुरक्षित निकल सकेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम सुन रहे थे वार्ड कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल जी को, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीताराम डालमिया जी से, इनसे भी बातचीत करेंगे इस पावन अवसर पे, जहाँ पर मनुष्यत छाई हुई थी पिछले 4-5 महीने से, और आज जाके कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है? आज का जो माहौल है देश भर में बहुत ही उत्साह का है, और आज के दिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग कोरोना को भूल चुके हैं और एक उत्सव के रूप में इतने मद हो गए हैं, एकदम भाव विभुल हो गए हैं कि उन्होंने कोरोना का भी ख्याल नहीं है, और वे इसी उत्सव के अंदर में इतने खुशी के आनंद मना रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है, ये भावना में व्यक्त नहीं किया जा सकता ये जो खुशी है। मैं अपने शहर के वासियों को, वार्ड के वासियों को सबसे पहले भूमि पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और आह्वान करता हूँ आज शाम को अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और इस उत्सव में भाग लें, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये दीपावली तो हमारे हर साल आती है, लेकिन आज का दिन है ये दीपावली से भी बहुत बड़ा त्यौहार है। जय श्री राम। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी जुड़े हुए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है आज राम जी के जन्म? मैं अभिभूत हूँ, और शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता है। भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
तो जिस तरीके से आज पूरे देश भर में और साथ ही साथ अगर हम कहें जहां पर भी पूरे विश्व में जहां पर भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं खुश है, उत्साह का माहौल एक देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर के उतनी ज़्यादा तैयारी तो लोग अपने अपने घर पर किए हुए हैं, दीप जलाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और सीधे प्रसारण जो है वो सभी लोग लेकिन देख रहे हैं इस वक्त अपने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, और सबकी आज निगाहें जो है सारे न्यूज़ चैनल पर पड़ी हुई है सीधे प्रसारण की, किस तरीके से भूमि पूजन हो रहा है, क्या उत्साह का माहौल है अयोध्या में, रामनगरी में, ये काफ़ी लेकिन उत्साह भरी देखी जा रही है। और लोगों में कहीं ना कहीं ये जो मायूसी छाया हुआ था वहाँ पर कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर लोगों में देखी जा रही है आज इस भूमि पूजन को लेकर के। और साथ ही साथ हमने सुना 8 नंबर वार्ड कोऑर्डिनेटर से कि उन्होंने भी आह्वान किया है कि आज शाम को आप सभी दीप प्रज्वलित करें और राम जन्मभूमि शिलान्यास को लेकर के खुशियाँ जो है वो आप सभी अवश्य मनाएं। नेहा गुप्ता, SK Live।